आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम लोग 23 जून के इनसाइट के डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। विजन की मंथली कंपाइलेशन चल रही है, उसको भी देखते रहना। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं इस बार इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। बॉर्डर डिस्प्यूट सारे आ गए, इंडिया नेपाल भी आ गया, इंडिया चाइना भी आ गया, और गिलगित बल्तिस्तान वाला भी आ गया था, और भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आए थे, उसको देखते रहना। तो एक बार 23 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं बीते दो दिनों का। स्टार्ट करते हैं 22 जून से। सीक्रेसी ऑफ बैलेट के बारे में हम लोगों ने बात किया था। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी एक अलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर कि सीक्रेटी ऑफ बैलेट इज़ द कॉर्नरस्टोन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अगर किसी इंसान की मर्जी हो तो वो अपनी वोट बता सकता है, उसको आप जोर ज़बरदस्ती उसकी वोट कौन सी है, वो आप उसने किसको वोट दिया है, ये सब आप उससे ज़बरदस्ती पता नहीं कर सकते। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को ध्यान से पढ़ लेना, ये प्रॉपर टॉपिक गिवन है। ऊपर देखो ये टॉपिक्स कवर्ड के अंदर सेलियंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए। इसका सेक्शन 94 के अंदर ये गिवन है कि जो वोटर होता है उसके पास अपना प्रिविलेज होता है कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करे उसने किसको वोट दिया है। मदेसीज़ ने अपोज़ किया नेपाल का ये रूल। नेपाल के अंदर जो लोअर एरिया है, जो मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, ये जो बॉटम लेयर है रेड रेड कलर का जो दिख रहा है, ये नेपाल का मधेसीज़ का एरिया है। तो यहाँ पर कुछ नए सिटीजनशिप के रूल लेके आई है उनकी गवर्नमेंट। वो ये कहना चाह रही है कि कोई भी फॉरेन वुमेन अगर नेपाल के अंदर मैरिज करके आएगी तो उसको 7 साल तक की नेचुरल सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, 7 साल के बाद मिलेगी उसकी, तब तक उसके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसको कुछ राइट्स मिल जाएंगे, 7 राइट्स, और वो बिजनेस वगैरह रन कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, अपने मूवेबल एसेट्स वगैरह को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। यूरेशियन ग्रुप ऑन कमिटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म EAG, ये एक एसोसिएट मेंबर होता है FATF का। ये 2004 में बना था, इसके 9 कंट्रीज़ इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। 2005 और 2010 के अंदर कुछ नए एडिशन हुए थे, इंडिया ने 2010 में इसको ज्वाइन किया था। मेन जो काम होता है इसका, FATF की जो 40+9 रिकमेंडेशन होती हैं उन सबको इम्प्लीमेंट करना होता है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना जो है ये लॉन्च की गई थी, इसमें 125 दिनों के लिए कैंपेनिंग की जाएगी 116 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। और जो स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स आपको पता होने चाहिए, 6 स्टेट्स के अंदर 116 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और उसमें 27 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स मैंने आपको बताया था जहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो होती है इतनी अच्छी नहीं होती है। 12 मिनिस्ट्रीज इसको इंप्लीमेंट करने वाली हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंटरक्रॉपिंग की जब हम लोग बात करें तो केरला की गवर्नमेंट ने कहा कि वो 2-3 तरह की क्रॉप्स को एक साथ बोने का सोच रहे हैं और इस चीज़ को एक्सटेंड करना चाहते हैं। पहले जो भी उनका एरिया है 8 लाख हेक्टेयर्स का, उसमें उन्होंने ये सोचा है कि तकरीबन एस्टिमेट लगाया 2 लाख हेक्टेयर तक के अंदर उनकी इंटरक्रॉपिंग हो जाएगी। इसके कारण वो अपनी डिपेंडेंसी जो है नेबरिंग स्टेट्स के ऊपर उसको ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ लॉज के अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे, जैसे केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, केरला ग्रांट्स एंड लीजेस एक्ट वगैरह करके। इस प्लान को केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जोन किया था और 23 एग्रोकल्चर क्लाइमेटिक सेक्टर्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था। इंटरक्रॉपिंग के बारे में आपको पता ही, 4 टाइप की इंटरक्रॉपिंग होती है, मिक्स, रो, रिले और स्ट्रिक्ट। इसके एडवांटेजेस बहुत सारे होते हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अपन लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 20 जून को क्या आया था हमारा। कीलाड़ी एक्सकवेशन की बात की थी, कीलाड़ी एक गाँव है, वहाँ पर 6 फेज एक्सकवेशन के अंदर कुछ स्केलेटन वगैरह मिले हैं जिससे, और ये कीलाड़ी गांव तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। अर्बन सिविलाइजेशन के कुछ उनको प्रूफ मिल गए हैं और पता चल रहा है कि जो गैप था 6th सेंचुरी BCE से लेकर 12th सेंचुरी BCE तक, उसके लिए कुछ एविडेंस उन लोगों को मिल गए हैं। लिटरेचर की बात करें तो कुछ तमिल ब्राह्मी लेटर्स वहाँ पर मिले हैं। अग्रेरियन सोसाइटी से पता चला है कि वहाँ पर बहुत सारे कैटल वगैरह को भी रखा जाता था। हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग थे, कुछ आइटम्स और भी मिले हैं, ब्रिक स्ट्रक्चर मिले हैं, कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, ग्रेफिटी मार्क्स भी थे वहाँ पर। जो कीलाड़ी की ग्रेफिटी है उसके साइंस जो है वो इंडस साइंस से बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है उसको रिलीज़ किया, उसकी एक रिपोर्ट आई थी, तो उसके मुताबिक कुछ लोगों ने पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इंडिया की जो रैंकिंग है ना वो इस साल 69 आई, उससे पहले 68 थी, तो इंडिया की रैंकिंग कभी भी टॉप 50 में नहीं आई है। तो कुछ लोगों ने पिटीशन में ये बोला है कि भैया आप एक ऐसी कमेटी बनाइए, ग्रुप बनाइए, ताकि वो लोग टॉप 20 कंट्रीज़ जहाँ पर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स अच्छा है वहाँ की स्टडी करें और इंडिया के लिए एक बेहतर सिस्टम बनाएँ रूल, ये गवर्नमेंट और लॉ। इस रिपोर्ट को लॉन्च करता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट और इट ऑल्सो ऑफेंड्स राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 14 एंड 21। कोर्ट ने कहा है कि दैट वॉज नॉट एन अप्रोप्रिएट केस फॉर द कोर्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन टू इफेक्ट। उन्होंने कहा कि इस बात के लिए आप सरकार को बोलिए, सरकार ऐसी कमेटी बनाएगी। टॉप 10 परफॉर्मर्स की बात करें तो इन कंट्रीज़ में आपको टॉप 3 तो पता ही होने चाहिए, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, उसके बाद नीचे स्वीडन, नीदरलैंड, जर्मनी। टॉप अगर बॉटम 10 की बात करते तो वेनेजुला, कंबोडिया, कॉन्गो, इजिप्ट, कैमरून। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बारे में हम लोगों ने बात करते तो 128 कंट्रीज़ होता है, इंडिया के अंदर इसकी रैंक आई है 69th, और 8 फैक्टर्स को ये लोग कंसिडर करते हैं। अगला टॉपिक था PM स्वनिधि, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स ने MOU साइन किया था SIDBI के साथ, तो इसके अंदर ये लोग इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। PM निधि की स्कीम की पूरी फुल फॉर्म है इंप्लीमेंटेशन एजेंसी फॉर द PM स्ट्रीट वेंडर एंड आत्मनिर्भर निधि, ये आपको पता होना चाहिए। SIDBI जो है इसके अंदर सारी की सारी क्रेडिट गारंटी जो भी लोन देने वाली बात होगी उसमें करेगा। 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा कुछ 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, यानी कि जो ठेले वाले होते हैं, रेहड़ी वाले होते हैं, इन सबको। इसकी वैलिडिटी 2022 मार्च तक है और SIDBI इसके अंदर टेक्निकल पार्टनर रहेगा।
एलिजिबिलिटी क्या होगी, जो लोग 24 मार्च तक जिनका जो बिज़नेस चल रहा था स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह का, उनको लिए अलाउड होगा। 7% की सब्सिडी मिल सकती है इसके अंदर आपको, जो भी कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो। गाफा टैक्स को बोला जाता है गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजोन टैक्स। 173 कंट्रीज़ ने एक नेगोशिएशन किया था कि जनवरी 2020 के एंड तक वो लोग एक डील साइन करेंगे, जिसके अंदर जो भी टेक मल्टीनेशनल्स होते हैं उनके लिए टैक्स लगाने की जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको फाइनल करेंगे। गाफा एक प्रपोजल था, इसके ऊपर 3% टैक्स ऑलरेडी फ्रांस लगा रहा था। रिसेंटली यूएस ने इसका अपोज किया था कि आप लोग जो है अमेरिकन कंपनीज़ को ही टारगेट कर रहे हो। और एक लेटेस्ट न्यूज़ आपको बता ही देते हैं कि जो US ने जो है H1B वीज़ा का सस्पेंशन जो था उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। बहुत सारे वीज़ा थे, H1B भी किया है, H2B भी किया है, तो उसमें जो इंडिया के जो टेक्निकल वर्कर्स होते हैं तकरीबन कुछ 5 लाख के आसपास उनका होता है, तो इंडिया में 70% उनके टोटल जो होते हैं वो 70% इंडिया से जाते हैं, तो यानी कि 3 लाख के आसपास इस पूरे ड्यूरेशन में जाने थे, तो ये दिसंबर 2020 तक उन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया है। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी जॉब वगैरह के अंदर, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि वो अमेरिकन लोगों को पहले जॉब देना चाहते हैं। GIS एड एक डेटा शेयरिंग एक ग्रुप है, इसके अंदर जीनोम सीक्वेंसिंग शेयर करने की बात की जा रही है, स्पेशली कोरोना वायरस को लेकर। 183 कंफर्म केसेस मिले थे रिसेंटली बीजिंग के अंदर। और जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब होता है कि जो भी उसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है DNA और RNA के अंदर उसको पढ़ा जाता है। GIS 8 जो है इसको लॉन्च किया था 2008 के अंदर, ये 61st वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जो भी डेटा वगैरह होता है इस तरह के माइक्रोब्स वगैरह का, स्टडीज़ का, उन सबको ये मेंटेन करता है और उस सबको आपस में कंट्रीज का शेयर करने में हेल्प करता है। NDRF के लिए इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस और ग्रुप कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ओपन कर दिए थे। NDRF जो था 2005 के अंदर बन के आया था, सेक्शन 46 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग। और एक्सपेंस वगैरह प्रोवाइड करता है इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन के लिए। इसी के दौरान हम लोगों ने जाना था कि जो ये प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड था ना, PMNRF, ठीक है, NDRF नहीं, PMNRF, ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने स्टार्ट करवाया था 1948 के अंदर। आई थिंक इतना हो गया काफ़ी रिवीजन। अब हम लोग अपना मेन न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। पहले एक बार अपने सारे के सारे टॉपिक्स रीड कर लेते हैं। व्हाट इज़ सोलर एक्लिप्स, व्हाट व्हाई डू अर्थक्वेक्स हैपन इन मिजोरम, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, इंपॉर्टेंस ऑफ पेंगोंग लेक। ये तो यार मैंने अभी रिसेंटली वहाँ भी कराया था मंथली कंपाइलेशन, और अगले मंथली कंपाइलेशन में भी आएगा पक्का ये। जापान टू रीनेम आइलैंड्स डिस्प्यूटेड विद चाइना, चाइना टू जॉइन UN आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, डिटेक्शन ऑफ फ्लोरीन इन दी हॉट एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स, और लोन वोल्फ थ्रेट क्या होता है। पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा GS1 का है, दूसरा भी GS1 का ही है, एक सोलर एक्लिप्स का है और एक अर्थक्वेक है, दोनों के दोनों ही ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। पहले वाला कवर होता है इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एट्सेट्रा में। सोलर एक्लिप्स क्या होता है, तो रिसेंटली कंट्री ने 21 जून को एक सोलर एक्लिप्स एक सूर्य ग्रहण को देखा था। ये जो है बहुत ही रेयर एनुलर एक्लिप्स होता है, बताऊंगा एनुलर क्या मतलब होता है। और ये साल में एक दो साल में एक बार ये हो रहा होता है, और ये कोइंसाइड करता है नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, जो लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर होता है ना, जिसको हम लोग समर सोल्स्टिस भी बोलते हैं। तो समर सोल्स्टिस होता है 21 जून को। सोलर एक्लिप्स क्या होता है, एक नेचुरल इवेंट होता है जहाँ पर अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं ऑकल्टेशन भी बोलते हैं हम लोग इसको। ये नए मून को यानी कि जो अमावस्या का दिन होता है उस दिन होता है ये, ध्यान रहे, फुल मून को पूर्णिमा बोलते हैं, अमावस्या को न्यू मून। न्यू मून का मतलब होता है कि पूरा ब्लैक होता है एकदम, और अगले दिन से उसका स्टार्ट होना होता है। तो एक एक्लिप्स के टाइम जो मून की शेडो होती है ना, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, डार्क को हम लोग अम्ब्रा बोलते हैं और लाइट शेडो को हम लोग क्या बोलते हैं, पेनम्ब्रा। ध्यान रहे ये बहुत टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, ये आपके एग्जाम में उसमें प्रीलिम्स के अंदर जरूर पूछे जा सकते हैं, अम्ब्रा क्या होता है, पेनम्ब्रा क्या होता है। तो वो अर्थ सर्फेस के ऊपर मूवमेंट करती है। तो फिर ये जो सोलर एक्लिप्स होता है ये हर महीने क्यों नहीं होता, देखो ये जो मून अर्थ और मून का जो पाथ है ना, अगर ये सर्कुलर होता ना तो हम लोगों को इक्लिप्स जो है वो हर महीने दिखाई देता। जो लूनर ऑर्बिट है यानी कि जो मून का जो ऑर्बिट है ना वो एलिप्टिकल है, ठीक है, एलिप्टिकल का मतलब होता है इस तरीके से कुछ है, ठीक है। तो वो उसमें कारण क्या होता है कि और उससे टिल्टेडनेस है ना, वो भी रिस्पेक्ट टू अर्थ ऑर्बिट ही, अर्थ के ऑर्बिट के अकॉर्डिंग ही वो टिल्टेड है, इसलिए हम लोगों को अप टू 5 एक्लिप्स दिखाई दे सकते हैं एक साल के अंदर। एक साल में 5 ज़्यादा नहीं सकते, डिपेंडिंग अपॉन द ज्योमेट्री। जो अच्छा ज्योमेट्री को हिंदी में मैंने बहुत जगह सुना है ज्योमिति बोलते हैं, पर मुझे श्योर नहीं है कुछ, कोई लोग अगर हिंदी का तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना क्या ज्योमेट्री को हिंदी में ज्योमिति ही बोलते हैं क्या। तो जो डिपेंड करता है कि सन मून और अर्थ की ज्योमेट्री क्या है, तो जिसके कारण सन टोटली ब्लॉक हो जाता है या फिर पार्शियली ब्लॉक हो जाता है। सोलर एक्लिप्स के 3 तरह के टाइप होते हैं, ध्यान रहे, टोटल होता है, एनुलर होता है और पार्शियल होता है। हम लोगों ने रिसेंटली जो विटनेस किया था वो एनुलर किया था। तो एनुलर ये पहली बात तो टोटल वाले को देख लेते हैं। टोटल तब होता है जब मून जो होता है ना कम्प्लीटली ब्लॉक कर लेता है सोलर डिस्क को। टोटल सोलर एक्लिप्स के अंदर जो नैरोएस्ट पार्ट होता है ना पाथ, यहाँ पर सन जो होता है कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है, और मून अपनी जो डार्केस्ट शेडो होती है अम्ब्रा, उसको बोलते हैं जोन ऑफ टोटैलिटी। ध्यान रहे टोटल सोलर एक्लिप्स के अंदर हम लोग अम्ब्रा का यूज़ करते हैं।
एक फिनोमिना होता है, उसको बोलते हैं बेलीज बीड्स। ये ऑफन अपीयर होता है जब सनलाइट जो होती है ना वो लूनर सरफेस की वैलीज से शाइन करती है, तो इसको बेलीज बीड्स बोलते हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एनुलर सोलर एक्लिप्स की हम जब बात करते हैं तो मून जो होता है थोड़ा सा अवे होता है अपने ऑर्बिट से यूजुअली, और वो थोड़ा सा स्मॉल अपीयर करता है, इसलिए वो पूरे के पूरे सन के डिस्क को कवर नहीं कर पाता और उसके अराउंड जो है एक रिंग दिखाई देता है हमको। तो कुछ लोग इसको रिंग ऑफ फायर नाम दे देते हैं, कुछ लोग इसको रिंग ऑफ सन बोल देते हैं। ऐसे इवेंट के दौरान एक बहुत ब्राइट सनलाइट होती है वो शाइन करती है अराउंड मून के, इसी को हम लोग एनुलर एक्लिप्स बोलते हैं। पार्शियल के अंदर जो क्या होता है ना, अर्थ की जो मूवमेंट होती है ना वो लूनर पेनुम्ब्रा से होती है। यहाँ पर जो मून होता है ना वो कम्प्लीटली सन को ब्लॉक नहीं करता, अपनी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करते हुए एक पार्शियल एक्लिप्स फॉर्म करता है। तो आपको थोड़ा सा स्मॉल सा सिल्वर सा रिंग भी दिखाई देता है सन के ब्लॉटेड साइड के अंदर, इसलिए ये टोटली एस्केप नहीं होता, लेकिन ये इक्वल टू टोटल एक्लिप्स होता है। सोलर वर्सेस लूनर एक्लिप्स के अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं? देखो सोलर के अंदर तो क्या, अभी हम लोगों ने सोलर देखा था तो अर्थ और सन के बीच में मून आ गया था, लेकिन यही मून अगर इस तरफ को पीछे की तरफ आ जाए, अर्थ बीच में आ जाए, तो सन की जो शेडो होती है वो मून के ऊपर फॉल कर रही होती है, वो होता है हमारा लूनर एक्लिप्स। टाइप ऑफ सोलर एक्लिप्स देख लिया, अम्ब्रा पेनम्ब्रा देख लिया, मून का ऑर्बिट देख लिया, वाई इज देयर अ सोलर एक्लिप्स एवरी मंथ इजेंट देयर देख लिया। सोलस्टिस की हम लोग बात कर लेते हैं। सोलस्टिस के साथ आप लोगों को इक्विनॉक्स जानने की जरूरत है। देखो इक्विनॉक्स वर्ड जो है ना वो इक्वल से निकल के आया है, यानी अर्थ के ऊपर ऐसा दो बार होता है कि जब डे और नाइट जो होते हैं उनकी लेंथ जो होती है बिल्कुल इक्वल होती है। वो कब होते हैं? पहली चीज़ तो स्प्रिंग के अंदर और दूसरी चीज़ ऑटम के अंदर, ठीक है। स्प्रिंग का टाइम आप लोगों को पता है मार्च के आसपास होता है, तो 20 मार्च याद रखें आप, और ऑटम का टाइम होता है 22 सितंबर। तो ये दोनों डेट्स आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, पूछी जा चुकी हैं पहले भी। सोलस्टिस के अंदर क्या होता है? सोलस्टिस के अंदर क्या होता है कि तो दिन बड़ा हो जाएगा या फिर दिन छोटा हो जाएगा। तो विंटर के अंदर क्या होता है? दिन छोटा हो जाता है, जो कि होता है 22 दिसंबर को। और समर के अंदर क्या होता है कि दिन जो होता है वो बड़ा हो जाता है 21 जून को, इसलिए हम लोग इंटरनेशनल योगा डे भी मनाते हैं, ये सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है अर्थ के ऊपर। तो समर सोलस्टिस पता चल गया आपको, विंटर सोलस्टिस पता चल गया। एक बार इनके डिफरेंसेस हैं, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। इक्विनॉक्स के अंदर टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द सन इज नियरेस्ट टू द इक्वेटोरियल प्लेन गिविंग इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। सोलस्टिस के अंदर होता है वो टाइम जो सन जो होता है फारदेस्ट होता है, ठीक है, रिजल्टिंग इन लॉन्ग नाइट्स एंड डेज। इक्विनॉक्स जो हो रहा होता है वो स्प्रिंग के स्टार्टिंग में होता है, और जब स्प्रिंग जो होती है फॉल आता है ना, जब हमारा ऑटम आता है उस टाइम पे होता है। सोलस्टिस जो होता है समर और विंटर में होता है। दोनों ही चीज़ें इक्विनॉक्स और सोलस्टिस दोनों साल में दो दो बार होते हैं। डेट आपको पता है मार्च 20 होती है, सितंबर 22 और 21 जून और दिसंबर 22। GS1 का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, Why do earthquakes happen in Mizoram? आपको पता होगा रिसेंटली मिजोरम के अंदर 5.1 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स आए थे, और ये 21 जून को ही आए थे जब हमारा सोलर एक्लिप्स था। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, मिजोरम और त्रिपुरा जो वो इतने वल्नरेबल क्यों हैं। और एज़ पर द सीस्मिक हज़ार्ड मैप ऑफ इंडिया, अब सीस्मिक हज़ार्ड मैप ऑफ इंडिया को रिलीज़ कौन करता है? ये करता है ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स, ठीक है। उन्होंने बताया कि जो स्टेट्स हैं मिजोरम त्रिपुरा ये पूरे के पूरे हैं जो जोन 5 में लाई करते हैं। अब जोन्स में आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया दिखा देता हूँ, ये जो आपको इंडेक्सिंग दे रखी है ना इसमें कुछ रिवाइज जोन्स हैं, तो ये जो कलरिंग दे रखी है इनके जोन्स के अंदर आप एक एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर लो, यानी कि जो ब्लू में है ना इसको जोन 1 दिया हुआ है, इसको पहले जोन 2 बोलते थे। येलो में जो है इसको जोन 2 नाम दे रखा है, इसको पहले जोन 3 बोलते थे। यानी कि पहले जो हमारे जोन हुआ करते थे ना उसमें जोन 2, 3, 4, 5 होते थे, और अब जो हमारे जोन्स हैं वो जोन 1, 2, 3, 4 हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि जो जोन 5 है ना मिजोरम त्रिपुरा जो उस एरिया में पड़ते हैं, यानी कि कंटेम्प्रेरी पहले वाला जोन है। आज की डेट में बात करते तो जोन 4 में है ये। मिजोरम जो है ना वो सदर्न पार्ट में पड़ता है पूर्वांचल हिमालयन के अंदर। आपको हिमालयन रेंज का पता होगा, आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ रखी होगी, बिल्कुल आइडिया होगा। ये कुछ मैं थोड़ा सा और बताऊंगा भी आगे। फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, सिंक्लिनोरियम होता है, सिंक्लिन क्या होते हैं, एंटीक्लिन क्या होते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ एक बार के लिए। तो अर्थक्वेक्स यहाँ पर क्यों आए हैं? बेसिकली एक बहुत शैलो एरिया है यहाँ पर, ठीक है। एक तो पहली बात सिंक्लिनोरियम एरिया है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात जो डॉकी फॉल्ट है ना वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे इंडिया और बांग्लादेश के, ठीक है, मेघालय पास करता है वहाँ से इसलिए। और माधोपुर जो फॉल्ट है वो बांग्लादेश के अंदर भी। फॉल्ट क्या होते हैं, फोल्ड क्या होते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें, अर्थक्वेक क्या होते हैं, अर्थक्वेक जोन क्या होते हैं, ये सारे के सारे मैं आपको अलग अलग स्लाइड्स में दिखाऊंगा। पहले हम लोग एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के बारे में जान लेते हैं। देखो फोल्ड ऑफ रॉक जो होता है ना जब वो नीचे की तरफ आ जाता है ना ऐसे, उसको बोलते हैं सिंक्लाइन, और जब वो ऊपर की तरफ हो जाता है उसको बोलते हैं एंटीक्लाइन, ठीक है। सिंक्लाइन एंटीक्लाइन, ध्यान रहे सिंक मतलब ग्रेविटी के साथ सिंक कर रहा है, ग्रेविटी के साथ नीचे की तरफ मूवमेंट है, एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट, तो ग्रेविटी के ऑपोजिट मूव कर रहा है इसलिए एंटीक्लाइन। अब ये ऐसा टर्म इसमें ग्रेविटी के अगेंस्ट है ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ये मैंने अपनी ब्रेन से इसको याद रखने के लिए बनाया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। मुझे नहीं पता ज्योग्राफी में अगर ये ऐसा ही होता होगा तो, लेकिन हाँ मेरे को अभी जैसे ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है तो एंटी, अब एंटीवायरस तो वायरस के अगेंस्ट होता है ना, तो उसके लिए। और सिंक वर्ड SYN का मतलब होता है साथ में, टुगेदर, तो सिंक क्लाइन का मतलब ग्रेविटी के साथ जा रहा है। मुझे अभी पढ़ाते पढ़ाते जस्ट अभी ये निमोनिक समझ में आया तो मैंने आपको समझा दिया।
इन क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा सा गहराई में जानेंगे। रिलीज़ कौन करता है? सिस्मिक हजार्ड मैप ऑफ इंडिया मैंने आपको बता दी, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स रिलीज़ करता है, ठीक है। अर्थक्वेक की वेव्स क्या होती हैं, प्रोपगेशन क्या होता है, इंपैक्ट क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। एंटीक्लाइन सिंक्लाइन हम लोगों ने कर लिया। फोल्ड माउंटेन के रीज़न फॉर इन्फॉर्मेशन एग्जाम्पल मैं भी आपको दिखाता हूँ। और फोल्ड माउंटेन्स क्या यहाँ पर रिसेंटली बात कर रहा है ना, यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो एक मेजर थ्रेट है हमको वो माधोपुर फॉल्ट है जो कि बांग्लादेश के अंदर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो डॉकी फॉल्ट है वो भी इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर है इंडिया बांग्लादेश के, जहाँ से मेघालय पास करता है। यहाँ से हम लोगों को थोड़ा सा खतरा है अर्थक्वेक का फ्यूचर के अंदर। तो अर्थक्वेक क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हम आपको एक बार बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग अर्थक्वेक के बारे में जान लेते हैं। जितने भी नेचुरल अर्थक्वेक्स होते हैं वो सारे के सारे लिथोस्फेयर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। सीस्मिक वेव्स होती हैं, सीस्मिक मतलब जो वाइब्रेशन वाली जो वेव्स होती हैं उनको स्टडी करके पता लगाया जाता है कि कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था। एक अर्थक्वेक की बात करें तो जो अर्थ क्रस्ट होता है ना, सिंपली जब वो शेक कर लगता है, मोस्टली आप लोगों ने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया ही होगा। अगर आप लोग अभी इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट में हो, या फिर आप गुजरात वाले एरिया में हो, या फिर आप इवन नॉर्थ इंडिया के अंदर दिल्ली वाले जोन में हो, तो आप लोगों ने हल्का बहुत अर्थक्वेक ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। जनरली क्या होता है ना, एक एनर्जी रिलीज़ होती है अर्थ के अंदर से, जिसके कारण बहुत सारा ट्रिगरिंग होती है और अर्थ जो है वो शेक, अर्थ का जो क्रस्ट होता है वो शेक करने लगता है। एक फॉल्ट जो होता है शार्प ब्रेक होता है क्रिस्टल रॉक्स में, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। रॉक्स अलोंग दी फॉल्ट जनरली मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये तो आपको बताना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक जरूर ध्यान लेते हैं क्योंकि इन्होंने पूछा भी है और ये कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है और मेंस में भी। एक होता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक, ये जो होते हैं बहुत मोस्ट कॉमन टाइप के अर्थक्वेक्स होते हैं। जनरली जो लूज फ्रेगमेंटेड पीस होते हैं ना, जो टुकड़े वगैरह होते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के अर्थ क्रस्ट के अंदर, उनको उनकी जो मूवमेंट होती है ना हल्की सी, उसी के कारण ही आते हैं। आपको पता होना चाहिए जो इंडियन जो प्लेट है ना पूरी की पूरी गोंडवाना प्लेट, ये एशियन प्लेट के अंदर की तरफ हर बार थोड़ी थोड़ी खिसकती जा रही है। कितने खिसक रही है आपको पता होना चाहिए, 44 मिलीमीटर पर ईयर इंडिया जो है एशिया की तरफ हर साल खिसकता है, मतलब इतना कम खिसकता है। अब ऑब्वियसली बात है इसमें कुछ एटॉमिक डिवाइस यूज़ करते होंगे इनको मेजरमेंट करने के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। वोल्केनिक अर्थक्वेक जब आते हैं, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है उसके कारण बहुत सारा मैग्मा जो होता है वोल्केनो से बाहर आता है, जिसके कारण सरफेस के ऊपर वाइब्रेशन भी होती है। इवन ओशन के अंदर जब वोल्केनिक आता है अर्थक्वेक आता है तो सुनामी भी आती है। कोलैप्स अर्थक्वेक, ये जो अर्थक्वेक होते हैं अंडरग्राउंड माइंस वगैरह के अंदर होते हैं। आपको पता होगा कि झारखंड वगैरह के इलाके के अंदर, ये छत्तीसगढ़ के इलाके में बहुत सारे इंडिया में माइनिंग्स होती हैं, तो अगर वो एरिया वो कोलैप्स कर जाता है, ठीक है ना, क्योंकि जो उसके ऊपर ना बहुत सारा प्रेशर जनरेट होता है रॉक्स वगैरह की वजह से, अगर वो कोलैप्स हो जाता है तो उससे भी भूकंप आता है। फिर होता है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स होते हैं जनरली आर्टिफिशियल होते हैं, कोई टेस्टिंग वगैरह की जाती है एक्सप्लोजन की, कोई बॉम्ब वगैरह की टेस्टिंग करते हैं, न्यूक्लियर अटैक्स वगैरह की ओशन में करते हैं या फिर लैंड के ऊपर करते हैं, तो उसके कारण जो वाइब्रेशन जनरेट होती है उससे भी थोड़ा बहुत अर्थक्वेक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉजेज़ देख लेते हैं हम लोग अर्थक्वेक, ये हमको पता होने चाहिए। इट इज़ कॉज ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट। टेक्टोनिक आप समझ गए थे ना, फ्रेगमेंटेड पीस होते हैं अर्थ की जो पूरे लेयर्स होते हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स के फॉर्म में होते हैं, तो उनकी मूवमेंट होती है तो फिर अर्थक्वेक होता है। जो एनर्जी रिलीज़ होती है ना वो सारी की सारी डायरेक्शंस में जाती है अपने आप, ठीक है। और जिस पॉइंट के ऊपर एनर्जी रिलीज़ होती है, ध्यान रहे बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, वो उसको बोलते हैं फोकस या फिर हाइपोसेंटर बोलते हैं, ध्यान रहे बिल्कुल। जिस पॉइंट के ऊपर एनर्जी रिलीज़ हुई थी, जनरली इसकी जो डेप्थ होती है वो 60 किलोमीटर नीचे होती है। अब देखो 60 किलोमीटर नीचे वहाँ पे अगर 1 सेंटीमीटर भी, अगर 1 सेंटीमीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है एक्चुअल में, 1 सेंटीमीटर वाइब्रेशन भी होती है ना तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ जाती है। जब हमारी एशियन प्लेट है पूरी की पूरी मूव कर रही होती है 45 मिलीमीटर पूरे साल के अंदर, तब भी देखो नॉर्थन ये नदन हिमालयन रीजन के अंदर हर बार कुछ ना कुछ छोटे छोटे अर्थक्वेक्स आते होते हैं। ट्विटर के ऊपर एक पेज है अर्थक्वेक कुछ करके, आप उसको चेक करोगे ना तो पूरा टाइम अर्थ के ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई अर्थक्वेक आ रहा होता है। तो जब ये मूवमेंट होती है इसके कारण बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है सारी की सारी डायरेक्शन में। जहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है, देखो जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, फोकस हाइपोसेंटर, ठीक है। और जो पॉइंट अर्थ के सरफेस के ऊपर होता है ना, यानी कि एक तो 60 किलोमीटर नीचे होता है हमारा फोकस, अर्थ के ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक है। और ये वो पहली जगह होती है अर्थ के ऊपर जो उसके ऊपर वेव्स का एक्सपीरियंस किया जाता है। अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं वो दो टाइप की वेव्स होती हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव। हम लोग जान लेते हैं पी वेव्स क्या होती हैं। पी वेव्स को हम लोग प्राइमरी वेव्स भी बोलते हैं। ये पहली वेव्स होती हैं जो सरफेस के ऊपर आती हैं, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पी वेव्स की, वो साउंड वेव की जैसी होती हैं, यानी कि वो तीनों साउंड वेव किस में से ट्रैवल कर सकती है, साउंड वेव तीनों मीडियम में से ट्रैवल कर सकती है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। उसी तरीके से पी वेव जो होती हैं वो तीनों मीडियम में ट्रैवल कर सकती हैं। ये जो वेव्स होती हैं इनकी टेंडेंसी होती है कि वाइब्रेट करती है पैरेलल डायरेक्शन में, यानी कि जो वेव का प्रोपगेशन होता है ना उसी के पैरेलल डायरेक्शन के अंदर ये मूव करती हैं। और इनके अंदर इलोंगेटिंग और स्क्वीजिंग मटेरियल को स्क्वीज़ करने की एबिलिटीज़ होती हैं।
एस वेव की जब हम बात करते हैं तो ये सेकेंड टाइम उसके बाद आती हैं, अर्थक्वेक के होने के बाद आती हैं, इसलिए इनको सेकेंडरी वेव्स बोलती हैं। इनकी एक जो खासियत होती है कि अगर इस तरीके से आपकी वेव मूवमेंट होती है तो इसके पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर आती हैं, परपेंडिकुलर तो आप समझते होंगे ना 90 डिग्री, परपेंडिकुलर आती हैं। फिर ये अगर ये मूवमेंट वेव की है तो ये सेकेंड वेव जो होती हैं इस तरीके से आती हैं। डायरेक्शन की बात हो गई है, मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर ये दिखा लेता हूँ मेजरमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा नहीं था उन्होंने लेकिन आपको पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड चेक करना हो आपको, ध्यान रहे मैग्नीट्यूड की कितनी इंटेंसिटी के साथ आया था, कितनी इंटेंसिटी के साथ नहीं, मेजर क्या था मैग्नीट्यूड का, ठीक है। तो जो एनर्जी रिलीज हुई थी क्वेक की वो एब्सोल्यूट नंबर्स के अंदर होती है, वो जनरली 0 से 10 की जाती है, और उसके लिए जो स्केल होता है उसको बोलते हैं रिएक्टर स्केल। इंटेंसिटी को बोल निकाला जाता है मर्कली स्केल से, ठीक है। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी क्या थी, कितना विजिबल डैमेज हो पाया उसके कारण, और इसकी रेंज होती है 1 से 12। ध्यान रहे रिक्टर स्केल के ऊपर उसकी जो उसके मैग्नीट्यूड की जो रेंजिंग होती है वो होती है 0 से 10, और जो इंटेंसिटी होती है वो होती है मर्कली स्केल के ऊपर 0 से 12। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, मैं भी बोलते बोलते कन्फ्यूज हो जाता हूँ, बट स्टिल आप लोग इसको प्लीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि बार अर्थक्वेक जोन्स के बारे में आपको बताता हूँ, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि एशियन प्लेट के अंदर इंडिया जो है, अच्छा 44 मैंने बताया था ना, सॉरी आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, इट इज़ 47 मिलीमीटर पर ईयर, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ज्योग्राफिकल स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो इंडिया के अंदर 54% जो लैंड है ना वो वल्नरेबल है, यानी कि एक्सपोज्ड टू थ्रेट है। प्लस में बहुत अच्छा डेटा इन्होंने, ये एक्चुअली 2-3 लाइन का डेटा बड़ा अच्छा लगा था मुझे, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। वर्ल्ड बैंक ने और यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट ने एस्टिमेट किया है 200 मिलियन सिटी ड्वेलर्स जो इंडिया के अंदर हैं दे विल बी एक्सपोज्ड टू स्टॉर्म्स एंड अर्थक्वेक्स बाय 2050, यानी कि 2050 तक 200 मिलियन शहरों में रहने वाले लोगों को कोई ना किसी तरह का तूफान या फिर किसी ना किसी तरह का भूकंप को वो लोग एक बार झेल चुके होंगे, फेस कर चुके होंगे, या फिर उसके अंदर उनका जान जा चुकी होगी। तो ये रिपोर्ट का डेटा है और उसको आप कोट भी कर सकते हो, इट्स अ वेरी हेल्पफुल डेटा। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर फोल्ड माउंटेन्स की एंड फोल्ट माउंटेन्स की। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे फोल्ड माउंटेन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। देखो फोल्ड माउंटेन्स जनरली जो होते हैं सेडिमेंट्री रॉक के बने होते हैं, ठीक है। जियो सिंक्लिन, सिंक्लिन मैंने आपको बता दिए थे, एंटी सिंक्लिन और सिंक्लिन, और कंप्रेसिव फोर्स के कारण होते हैं, ठीक है। प्लस फोल्ड की बात जब जियोलॉजी में करते हैं तो एक अर्थ का जो क्रस्ट होता है ना फोल्ड जाता है, आप देख रहे हो इस तरीके से मूवमेंट, फोल्ड मूवमेंट आ रहा है। तो हिमालयाज हमारे कौन से मूवमेंट, हम जो हमारे हिमालयाज में कौन से माउंटेन्स हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं हमारे हिमालयाज। क्यों, क्या हुआ था, अर्थ का जो गोंडवाना लैंड था वो यूरेशियन प्लेट के अंदर जाके जब टकराया था ना तो मूवमेंट फोल्ड मूवमेंट हुई थी। फोल्ड मूवमेंट के कारण जो हमारा वहाँ पर टेथीज सी था वो ऊपर की तरफ उठ गया था, इसलिए हमारे हिमालय के ऊपर जो लेक्स वगैरह हैं, इवन जो वहाँ पर माउंटेन्स है उसमें माउंटेन की जो वो है ना सॉइल उसमें सब में रॉक है, तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत बार सॉल्टी सैंपल्स भी मिलेंगे क्योंकि टेथीज सी के बहुत सारे सैंपल्स रिसर्चर्स ने वहाँ पर ढूंढे थे। टाइप्स ऑफ फोल्ड के बारे में जरा बात कर लेते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल फोल्ड जिसमें एक एक्सियल प्लेन जो होता है वो वर्टिकल होता है। अब एक्सियल प्लेन क्या होता है ये एक बार थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं। ये देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, लिम्ब्स क्या होते हैं, साइड वाला जो पोर्शन होता है ना उसको लिम्ब। अभी ह्यूमन बॉडी के अंदर लिम्ब्स क्या होते हैं, आपके हाथ और पैर जो होते हैं उसको लिम्ब बोलते हैं। हिंज लिम्ब जनरली आप लोगों को जो दरवाजा होता है ना, दरवाजा या फिर आपकी जो रिस्ट होती है इसमें जो जॉइंट बोलते हैं इसको हिंज जॉइंट बोलते हैं। तो उसी तरीके से ये वाला जॉइंट होता है, आपका कोई दरवाजा होता है उसको जॉइंट होता है उसको हिंज जॉइंट बोलते हैं। तो ये हिंज लाइन होती है, ये अपर नीचे मूवमेंट के लिए होती है। ये होता है इसके परपेंडिकुलर जो होता है ये एक्सेल होता है, ठीक है। ये कनेक्ट करता है हिंज लाइन को फोल्डिंग सरफेस के साथ। तो अब आपको पता चल गया एक्सेल प्लेन क्या होता है। अब अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ फोल्ड की, तो सिमेट्रिकल फोल्ड के अंदर जो होता है एक्सिकल प्लेन जो होता है वो वर्टिकल में आ रहा होता है। एसिमेट्रिकल के अंदर जो एक्सिल प्लेन होता है वो इंक्लाइंड होता है। आइसोक्लिनिकल के अंदर जो एसेंशियल जो लिम्ब्स होते हैं ना वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, और पैरेलल होते हैं एक्सिल प्लेन के। ओवरटर्न्ड फोल्ड के अंदर जो हाईली इंक्लाइंड एक्सिल प्लेन होता है, ठीक है, टू दैट द स्ट्रेटा ऑन द लिम्ब आर ओवरटर्न्ड, वो ओवरटर्न्ड की तरफ तरीके से होता है। रिकम्बाइंड फोल्ड की जो टाइप होती है हमारी वो एसेंशियली हॉरिजॉन्टल होती है एक्सल प्लेन के अंदर। अब ये बातें आपको शायद इतनी समझ में नहीं आ रही होंगी, पॉसिबली हमारा ये वाला टॉपिक करंट अफेयर्स का, तो इतना ज़्यादा स्टैटिक्स में जंप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ज्योग्राफी में से ज़रूर डीप में पढ़िएगा। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिखा सकता हूँ। एक बार मैं आपको फोल्ड और दिखा देता हूँ। जब हम लोगों ने फोल्ड माउंटेन की बात कर ही ली है, तो जब हम लोग फोल्ड की बात कर रहे थे ना तो जनरली आप लोगों को इस तरह की मूवमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन जब हम फोल्ट FAULT की बात करते हैं तो वहाँ पर बात आती है कि जो क्रस्ट होता है ना वो बेंड हो जाता है जिसके कारण उसमें क्रैक आ जाता है, ठीक है, तब फॉल्टिंग टेक प्लेस करती है। कि ध्यान रहे हम लोगों ने अभी रिसेंटली इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर के बारे में भी बात की थी ना कुछ फॉल्ट्स के बारे में। फोल्ड जो होता है ना
प्लेनर फ्रैक्चर होता है, क्रैक कह सकते हो वॉल्यूम के अर्थ क्रस्ट के अंदर, जिसकी बहुत ही सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट होती है। फॉल्टेड एजेस जो होते हैं ना बहुत स्टीप होते हैं, ध्यान रहे बहुत ही स्टीप एजेस होते हैं। और अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वॉस्किस है, ब्लैक फॉरेस्ट है रेनलैंड के अंदर। फोल्ड जो होते हैं जनरली टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स जब काम करती हैं क्रस्ट के ऊपर तब होते हैं। टाइप ऑफ फोल्ड की अगर मैं एक बार आपको एग्जांपल दिखाना चाहूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो सडनली ये नॉर्मल फोल्ड था ना, इसमें क्रैक हुआ, ये डाउनवर्ड चला गया। स्ट्राइक फोल्ड के अंदर ये साइड में आ गया। रिवर्स फोल्ड के अंदर ये नीचे वाला, ये एक जो हिस्सा था ये नीचे की तरफ चला गया, एक जो हिस्सा था ये ऊपर की तरफ आ गया। ऑब्लिक के अंदर ये वाला एक लेफ्ट साइड को आ गया, एक साइड राइट साइड को आगे चला गया। तो मूवमेंट होती है लेकिन ये क्रैक के थ्रू मूवमेंट होती है ये, ठीक है। फोल्ड में आप समझ गए, फोल्ड में क्रैक नहीं होता, फोल्ड में क्या होता है बेंडिंग हो जाती है। आई होप ये वाले दो चीज़ें, दो तीन चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। GS2 के अंदर हमारा टॉपिक कवर्ड में होता है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस के अंदर, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। आपको पता है इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, विजन की मंथली में भी डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग बात करेंगे कि पैंगोंग लेक की इंपॉर्टेंस क्या है। पहले तो ये जान लो पैंगोंग लेक जो है ना ये ब्रैकिश वाटर लेक होता है, 14,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर है ये, और एंडोहेरिक है यानी कि लैंड लॉक्ड लेक है। ब्रैकिश वाटर है और इसमें सॉल्टी वाटर, मतलब ऑब्वियस सी बात है फ्रेश वाटर प्लस सॉल्टी वाटर हो जाता है तो ब्रैकिश वाटर बन जाता है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर आप लोगों ने थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी, जहाँ पर वो फुनसुक वांगडू मिलता है ना लास्ट में एकदम येलो स्कूटर वाला सीन के ऊपर, जब वो करीना कपूर आ रही होती है, वो पैंगोंग लेक है, ठीक है। तो आज मैं इसको आप लोगों को एक बार थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो 1962 वॉर के बाद जो LAC बनाई गई थी हमारी, वो पैंगोंग लेक के पास से गुजरती है। तो ये जो कुछ आप लोगों को नंबर लिखे दिखाई दे रहे ना, ये मैं आप लोगों को दूसरी स्लाइड में दिखाता हूँ कौन कंट्रोल करता है, 8 ऑफ देम कॉन्टिनेंट्स हैं, क्या कुछ है। मैं आपको आज ये सब थोड़ा सा मैप से ही समझाऊंगा, रीड करने वाला टॉपिक इसमें इतना नहीं होगा। मैप में जो भी आपको बता रहा हूँ पूरा का पूरा वही चीज़ कवर हो जाएगी, जो एक्स्ट्रा होगी वो आपको अलग से बता दूंगा। ये देखिए ये पूरा का पूरा जो है ना ये पैंगोंग लेक है, ठीक है। ये है ईस्टर्न पार्ट, ठीक है, और ये है वेस्टर्न पार्ट। तो LAC कौन सी हमारी, आपको जो डॉटेड डॉटेड लाइन दिख रही है ना, दो दिख रही हैंगी, एक्चुअल में हमारी जो LOC है ना वो ये वाली हैगी, ठीक है, इसको मान के चलो आप LOC। और ये पता नहीं ये क्या है, मैप के अंदर कुछ आ रहा था। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, ये चुसूल जो वैली है ना, चुसूल वैली, यहाँ पर 1962 के अंदर जो चाइनीज़ बॉर्डर, चाइनीज़ जो सोल्जर्स थे ना उनके लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन बन गई थी। तो चाइनीज़ सोल्जर्स हैं वो इस लोकेशन को आज भी अपने छोड़ना नहीं चाहते हैं, कि दे वॉन्ट दिस प्लेस टू बी विद दैम। अब पैंगोंग लेक की बात करते हैं तो यहाँ कहीं जब हमारी LOC आती है तो ये जो रीजन है ना इधर का, इस साइड का, अभी जहाँ जिस साइड पे मार्कर चला रहा हूँ, ये पूरा का पूरा चाइना कंट्रोल करता है पैंगोंग लेक का। और ये अपर साइड का जो रीजन आपको दिख रहा है, ईस्ट साइड का, नॉर्थ ईस्ट साइड का, ये इंडिया कंट्रोल करता है। तो ये जो रीजन है ना, ये टोटल अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो 135 किलोमीटर के आसपास ही पड़ता है। अब 135 किलोमीटर के अंदर इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ 45 किलोमीटर का चार्ज है, इंडिया इतना ही कंट्रोल कर सकता है, बाकी पूरा का पूरा जो बच गया 95 के आसपास वो कौन कंट्रोल करता है। 95 क्यों बचेगा, 90 बचेगा, कितना बचेगा, जितना ही बचेगा यार, अभी मैथ्स नहीं कर रहा। तो बात यह है कि यहाँ पर एक रीजन है ना, इसके अंदर कुछ नक्कल्स हैं, ठीक है, उनको हम लोग फिंगर्स बोलते हैं, माउंटेन के नक्कल्स हैं। कैसे नक्कल्स हैं ये देखो, ये 8 पॉइंट्स हैंगे, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 7 8, ऐसे इंडिया का 4 के ऊपर, आपको रेड डॉटेड लाइन दिख रही है ना, बिल्कुल रेड डॉटेड लाइन यहाँ 4 के ऊपर से, ये LAC इंडिया का यहाँ पर एक परमानेंट पोस्ट लगा हुआ है, ठीक है। इंडिया किसको मानता है, कि इंडिया बोलता है कि नहीं LAC जो है ना वो 8th के पास से होनी चाहिए। इनको फिंगर्स बुलाते हैं, फिंगर्स कैसे बुलाते हैं, देखो ये ना नक्कल्स की फॉर्म में है, ठीक है, अगर इनको थोड़ा सा और जूम इन करके देखते हैं आपको दिख रहा है हाथ के नक्कल्स की तरह एकदम, ये इनकी जो शेप हैगी। तो इंडिया का जो पोस्ट है ना वो यहाँ कहीं है, ठीक है, आपको मैं इनके काउंटिंग वाले पे दिखा देता हूँ। इंडिया का परमानेंट पोस्ट यहाँ पे, इंडिया कहता है कि भैया हमको 8th वाला जो पोस्ट है यहाँ पर LAC होनी चाहिए। चाइना क्या बोलता है, चाइना बोलता है 2nd वाला जो है ना यहाँ पे आपकी पोस्ट होनी चाहिए। तो 4th तक तो इंडिया की पोस्ट है, लेकिन 4th के आगे जो है ना इंडिया मूवमेंट करता है तो वो वॉक करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेरेन इतना ख़राब है कि यहाँ पर जो व्हीकल वगैरह वो नहीं जा सकते। चाइना हालांकि 2 तक अपनी थोड़ी सी ट्रूप करता है, पेट्रोलिंग करता रहता है, क्योंकि चाइना के पास इस तरह के कुछ लाइट वेट व्हीकल्स हैं। तो यही कहने की बात, इतनी सी बात बताने की जा रही थी कि ये जो एरिया ना बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया होता है, यहीं पर होती रहती है थोड़ी बहुत मुठभेड़ पैंगोंग लेक के पास की अगर हम बात करते हैं। तो चुसूल वैली मैंने आपको बता दिया था कि कहाँ पर पड़ती, थोड़ा सा नीचे की तरफ देखते हो तो यहाँ चुसूल वैली पड़ती हैगी। 1962 की जो वॉर हुआ था उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब हम चलते हैं वापस अपनी न्यूज़ के ऊपर, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो देख लेते हैं। थोड़ा सा पैंगोंग लेक के बारे में और जान लेते हैं कि तो पैंगोंग जो वर्ड है ना उसका लिटरल मीनिंग होता है कनक्लेव। आप लोगों ने कभी फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, कनकेव लेंस, कनक्लेव लेंस, कन्वेक्स और कनक्लेव लेंस, ठीक है। पैंगोंग वर्ड का जो मीनिंग लद्दाखी लैंग्वेज में होता है वो कनक्लेव होता है। और TSO, इसको
टी एस को टी साइलेंट होता है, सो बोलते हैं, पैंगोंग सो लेक, ठीक है। जैसे जो उस तरह के जो पासिस वगैरह हैं, जैसे नाथुला हो गया, ठीक है, ला वर्ड का मतलब क्या होता है, पास होता है ना, उसी तरीके से टी एस ओ लेक, ये तिब्बतन लैंग्वेज का वर्ड है। 14,000 फीट की हाइट के ऊपर ये लोकेटेड है और 135 किलोमीटर लंबा है। ये बना हुआ है टेथीज जियोसिंक्लिन से। जियोसिंक्लिन तो मैंने आपको बता दिया था, टेथीज सी मैंने आपको बताया था कि जब गोंडवाना लैंड जो था वो यूरेशियन प्लेट के अंदर आके स्ट्राइक होता तो वहाँ पर पहले टेथीज सी हुआ करता था, और ये सॉल्ट वाटर लेक है। अब हम लोग अपने थोड़े इंस्टा के क्वेश्चंस देख लेते हैं, कौन से हमको स्लाइड में पढ़ने पड़ेंगे। एलओसी क्या है, इसको कैसे एस्टेब्लिश हुई थी, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है देखते हैं। एलएसी पढ़ लिया, नाथुला के बारे में बात करते हैं, पैंगोंग लेक पढ़ लिया, अक्साई चीन को एडमिनिस्टर कौन करता है, चाइना एडमिनिस्टर करता है। नाकुला कहाँ पर है, सिक्किम वाले रीजन में है। पैंगोंग सो को कितना कौन एडमिनिस्टर करता है, कौन कंट्रोल करता है, पढ़ लिया हम लोगों ने। 45 किलोमीटर इंडिया के पास है, बाकी 135 किलोमीटर से बचा हुआ किसके पास है, चाइना के पास है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, क्या क्या देखना था हम लोग को, एलओसी देखना था, नाकुला और नाथुला देखना था, ठीक है। ये आपको मैं दिखाता हूँ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक मिलिट्री कंट्रोल लाइन है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। देखो 1947 के अंदर जब हम लोगों ने बात की थी कि कश्मीर जो था उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके हमारे पास आना चाह रहा था, लेकिन वहाँ के कुछ ट्राइबल्स ने, कबीलियों ने वहाँ पे हमला कर दिया था, पाकिस्तानी आर्मी ने कुछ अटैक करके कुछ एरिया को कब्जा लिया था। तो वहाँ पर एक जब फाइनल जी उस वॉर को जब रोक दिया गया था 1947 वॉर को, तो जहाँ पर जो स्टैंडिंग था ना वो उसी एरिया को हम लोगों ने उस टाइम पर सीज़ फायर लाइन बोला, यानी कि सीज़ फायर मतलब जो फायरिंग वगैरह थी वो बंद हो गई थी, उसको सीज़ फायर लाइन बोल दिया था। ये मैं आपको मैप में बना के दिखा रहा हूँ ऊपर की तरफ, ये थी सीज़ फायर लाइन। 1972 के अंदर शिमला एग्रीमेंट हुआ था, उसमें इसी लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दे दिया गया था। अभी डीफेक्टो है, डीफेक्टो वर्ड का मतलब क्या होता है, डीफेक्टो वर्ड का मतलब होता है कि एग्जिस्ट करती है लेकिन ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं है, ठीक है। अच्छा, डीफेक्टो से मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा, सुओमोटू और स्टेटस क्वो इनके मीनिंग्स क्या होते हैं, मैं जनरली बताता रहता हूँ इनके बारे में लेकिन आप लोग बताइए। डीफेक्टो मैंने आपको बता दिया, तो स्टेटस क्वो क्या होता है और सुओमोटू की क्या होते हैं, इनकी मीनिंग्स क्या होते हैं, ये ऑफिशियल टर्म्स होते हैं, पॉलिटी में बहुत यूज़ हो रहे होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं ना, ये नदन रीजन जो है एलओसी के ऊपर जो नदन रीजन होता है उस पॉइंट के एक नाम है, उसको बोलते हैं 9842, ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री है उसको एलओसी बोलते हैं, चाइना के साथ जो बाउंड्री उसको एलएसी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। आगे हम बात करते हैं तो यूएस के जो बिल क्लिंटन थे उन्होंने कहा था कि कश्मीर की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ना ये वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस प्लेस है वर्ल्ड के अंदर। ये कहीं लिखने की जरूरत नहीं, बट जस्ट फॉर ए जनरल अवेयरनेस, इतना ही काफ़ी इसके अंदर। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ नाथुला पास के बारे में। हिमालयन पास है, ये हिमालय के ऊपर है और इसकी जो हाइट है वो 14,000 फीट के आसपास ही है, जितनी हमारी पैंगोंग लेक की है, 140 फीट उसमें एडिशनल लगा लो। प्लस में नाथू वर्ड का मतलब होता है लिसनिंग ईयर, यानी कि सुनने वाले कान, तो कोई इसका रेलेवेंस होगा। और ला का मतलब मैंने आपको बताया तिब्बतन लैंग्वेज के अंदर होता है पास। तो बात करते हैं कि नाथुला जो है वन ऑफ द थ्री ओपन ट्रेडिंग बॉर्डर्स है, यानी कि इंडिया के जो तीन ओपन ट्रेडिंग बॉर्डर्स हैं ना उसमें से एक है ये, एक शिपकिला में भी है और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कि, और दूसरा लिपू लेक में। लिपू लेक के अंदर ट्राइजेक्शन के ऊपर है इंडिया नेपाल और चाइना, इंडिया नेपाल डिस्प्यूट के अंदर लिपू लेक, मैंने आपको लिम्प्यादुरा काला पानी लिपू लेक बहुत अच्छे से समझा रखा है। विजन की जो मंथली कंपैरिजन हमारी करंट पैरेलली चल रही है, आपको ऊपर नीचे इसी की वीडियो को ऊपर नीचे मिल जाएंगी आपको, ओके। 1962 के बाद इसको सील कर दिया गया था, ठीक है, सीनो इंडियन वॉर के बाद नाथुला को, लेकिन इसको 2006 में दोबारा से ओपन कर दिया गया था। और यहाँ से ओपनिंग ऑफ द पास के कारण क्या हुआ था कि जो ट्रेवल डिस्टेंस था ना, स्पेशली जो हिंदू और बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स थी, जो तीर्थ वगैरह थे यहाँ पर, उनके लिए थोड़ा सा जो स्पेस था, टाइम था, जो बच गया था, ठीक है। इसकी हिस्ट्री में तो हम क्या ही बात करेंगे अभी ज़्यादा डीप में जाने की, इतना डीप हमसे पूछा नहीं है। देखो तो इतना प्रीलिम्स के हिसाब से मैं इतना ही समझा पाऊंगा, अदरवाइज तो पूरा टॉपिक समझाने लगे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा ना। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ पैंगोंग सो फॉर इंडिया एंड चाइना हो गया। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट इंडियन डायस्पोरा। टॉपिक की हमारा हेडलाइन है जापान टू रीनेम द आइलैंड्स डिस्प्यूटेड विद चाइना। ओके, एक तरफ को जहाँ पर चाइना इंडिया को एग्रेशन दिखा रहा था, इंडिया के साथ मिलिट्री और डिप्लोमेटिक टॉक्स में बिजी था, वहीं पर दूसरी साइड जापान ने शांति से इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जापान और चाइना के बीच जो डिस्प्यूटेड आइलैंड था उसको रीनेम कर दिया है, यानी कि उसके ऊपर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ले लिए हैं यूनिलेटरली। इसी बात के लिए चाइना बहुत ही सीरियस प्रोवोकेशन दिखा रहा है, उन्होंने बोला है कि बहुत इलीगल काम आपने किया है। व्हाट्स अप्रूव्ड,
देखो, मैं आपको मैप से इस चीज़ को समझाने की कोशिश करना चाहूँगा। चाइना के बहुत सारा जो एरिया है ना, बहुत सारी कंट्रीज के साथ वो डिस्प्यूट में है। जापान के साथ है, इधर ताइवान के साथ भी हो गया, इधर ये साउथ चाइना सी के साथ तो बहुत सारा हो गया। उधर पे चाइना हम लोगों को ये बीट करता है, अरुणाचल प्रदेश क्लेम करता है, अक्साई चीन वाला एरिया, पूरा लद्दाख वाला एरिया क्लेम करता है। तो चाइना एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ नदर्न पार्ट यानी कि रशिया के अलावा हर एक जगह पर अपना कुछ ना कुछ एरिया क्लेम करता है। रशिया के अलावा भी क्यों क्लेम करते, रशिया में क्यों क्लेम नहीं करता है, क्योंकि 1969 की ट्रीटी के बाद चाइना ने रशिया के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बना ली थी कि उस एरिया को ये लोग काम रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर भी ये लोग अग्रेशन दिखाएंगे तो उनको पता है कि रशिया अपने आप में बहुत बड़ी कंट्री है और ये यूके के भी कहीं ना कहीं अगेंस्ट में रहते हैं। तो हर तरीके से, हर चारों साइड से चाइना अपने बॉर्डर को डिस्प्यूटेड नहीं रखना चाहता, इसलिए उन्होंने नॉर्थ साइड को बिल्कुल काम रखा हुआ है। पता हो कि इंडिया और रशिया की ट्रेड से ज़्यादा चाइना और रशिया का ट्रेड होता है, बहुत हैवी अमाउंट में इनका ट्रेड हो रहा होता है, तो उस बॉर्डर का लोग फुल यूज़ कर रहे होते हैं। वहाँ से चाइना और साउथ जापान के बीच में जो ये आइलैंड है जिसका डिस्प्यूट है, वो आइलैंड कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा ईस्ट चाइना सी के अंदर। ये मैप आपको होपफुली अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चाइना वाले इसको दायोयू आइलैंड्स बोलते हैं और जापान इसको सेनकाकू बोलता था। हालांकि जापान में रहने वाले लोग इसको सेनकाकू बोलते थे, लेकिन जापान ने ऑफिशियली इसका नाम सेनकाकू कहीं पर भी नहीं मेंशन किया हुआ था। अभी अप्रूव क्या किया है जापान ने, जापान ने एक प्लान अप्रूव कर दिया है कि वो जो भी एरिया कवर करता है टोक्यो सेनकाकू आइलैंड का, जिसको ताइवान वाले और चाइना वाले दायोस बोलते हैं, उसका रीनेम करके उसको तोनोशिरो सेनकाकू कर देंगे, ये जापान वाले करेंगे। तो इशू क्या है, पहली बात तो ये जो आइलैंड है ये अनइनहेबिटेड आइलैंड है, ठीक है, और ये एक तरीके की एक चोट के ऊपर है, यानी कि टोक्यो बीजिंग और ताइवान का भी उसमें अपना हक जताता है। ताइवान कहता रहता है कि आइलैंड जो उसकी टेरिटरी का पार्ट है, और ताइवान तो ये भी कहता है कि वो चाइना से भी बिल्कुल अलग है। सेनकाकू आइलैंड के बारे में जान लेते हैं। जनरली आपको मैंने लोकेशन दिखा दी, ये ईस्ट चाइना सी के अंदर है, ठीक है, जापान और चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि ताइवान है उसके बीच में। आर्किपेलागो मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इसमें 5 अनइनहेबिटेड आइलैंड्स हैं, 3 बैरन रॉक्स हैं, जिसकी रेंज है वो 800 मीटर से लेके 4.32 किलोमीटर स्क्वायर तक है। ये एम के बाद जो 2 लिखा हुआ है एक्चुअल में स्क्वायर है, वो टाइपिंग का थोड़ा सा इशू है। वट आर द ग्राउंड फॉर जापान टेरिटोरियल सॉवरेनिटी ओवर सेनकाकू, जापान का क्या कहना है कि ये जो सेनकाकू आइलैंड है उसका ऊपर उसका जापान का राइट कैसे है। देखो, सेनकाकू आइलैंड जो थे ना वो एक्चुअली जापान की ट्रीटी के अंदर एडिड नहीं थे। जब जापान ने अपनी ट्रीटी वो टेरिटरी को जब रिनाउंस किया था ना, आर्टिकल 2 जो है सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी 1951 का, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद साइन की थी, उसमें तो अनाउंस नहीं थे। लेकिन जो आर्टिकल 3 है ना ट्रीटी का, उसमें इन आइलैंड्स को प्लेस कर दिया गया था यूनाइटेड स्टेट्स के अंडर, ठीक है ना, जो कि नैनसेई शोटो आइलैंड्स की जो ट्रीटी थी उसी के साथ साथ। लेकिन जो सेनकाकू आइलैंड्स थे ना, इसके अंदर वो एरियाज थे जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स दोबारा से जापान को दे दिए गए थे। एक एग्रीमेंट हुआ था जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में, जिसमें रयूक्यू आइलैंड्स और दायतो आइलैंड्स भी आ गए थे बाद में 1972 के अंदर। चाइना क्या क्लेम करता है, चाइना बोलता है कि भैया ये जो सारे के सारे आइलैंड्स हैं ना, स्पेशली ये जो सेनकाकू वाला आइलैंड है जिसको आपने रीनेम करने की बात की है, ये हमारी टेरिटरी का पार्ट है एंशियंट टाइम से। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स है, प्लस ताइवान का जो प्रोविंस है ना वो इसको एडमिनिस्ट्रेट करता है। ताइवान ने ना जापान को के साथ गिव अप कर दिया था, यानी कि जापान को सीड कर दिया था। मतलब एक ट्रीटी हुई थी शिमोनोसेकी 1895 के अंदर, तो उसमें ताइवान ने जापान के ऊपर हार मान मतलब मान सरेंडर कर दिया जापान को, ठीक है, जो सीनो जापानीज वॉर हुआ था, ठीक है। अब उस टाइम पे ताइवान जो था वो सीनो का ही पार्ट था ना। फिर ताइवान जब रिटर्न करके आता है ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को, चाइना बोलता है कि ये जो आइलैंड है ना ये भी इसको रिटर्न कर देनी चाहिए। अब वो नहीं कर रहा है जापान, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने उसको दे दिया है वो। आगे क्या होता है, सेनकाकू दायको के जो हाइलाइट्स हैं ना वो बहुत ही रॉबस्ट हैं, स्पेशली बात चाइना को लेकर। चाइना अपना टेरिटोरियल क्लेम्स कहाँ का करता है, ईस्ट चाइना सी में कर रहा है, साउथ चाइना सी में कर रहा है, इंडियन साइड पे कर रहा है। अदर डिस्प्यूट्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। उसके जो लैंड और मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो ताइवान में है, ब्रुनेई में है, इंडोनेशिया में, मलेशिया, फिलीपीन, वियतनाम, साउथ चाइना सी और उसके एक्सटेंशन में। डिस्प्यूटेड लैंड की हम बात करें तो आइलैंड पे भी डिस्प्यूट है, रीफ पे भी, बैंक के ऊपर भी। बाकी साउथ चाइना सी के अंदर और बात करें तो स्पार्टली आइलैंड्स हो गए हैं, ठीक है, स्कारबोरो शोल हो गया, पैरासल आइलैंड्स हो गए, गल्फ ऑफ टोंकिन हो गया, ये सारे के सारे चाइना के डिस्प्यूटेड लैंड में रहते हैं। चाइना का इंडिया का डिस्प्यूट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साउथ चाइना सी के ऊपर पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, और इंडिया का क्या टेक है उसके ऊपर साउथ चाइना सी के ऊपर ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा, देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट के अंदर हमारा टॉपिक आता है चाइना टू जॉइन द यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। चाइना यूएन की आर्म्स मतलब हथियारों की जो ट्रेड की ट्रीटी है उसको ज्वाइन करना चाहता है।
चाइना का जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, जो वहाँ की कानून बनाने वाली जो टॉप बॉडी है, उन्होंने कहा है कि वो ज्वाइन करना चाहते हैं इस ग्लोबल ट्रीटी को, ताकि जो भी कन्वेंशनल आर्म्स की सेल्स होती है उन सबके रेगुलेशन को की जा सके। प्लस में उन्होंने इस बात को ध्यान रखने की बात की है कि जिस तरीके से वो हैंडल कर रहे हैं इस पैंडमिक को, प्लस में वो कर्व करना चाहते हैं हांगकांग के अंदर जो ऑटोनॉमी हो रही है, हर एक चीज़ को ध्यान रखते हुए चाइना ने अपना इंटरेस्ट इस चीज़ में दिखाया है। और ये बात तब निकल के आते जब यूएस के जो प्रेजिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अनाउंस किया था लास्ट ईयर कि वो इस ट्रीटी से पुल आउट करना चाहते हैं, जो कि स्टार्ट हुई थी 2014 के अंदर। देखो, यूएस इस ट्रीटी का सिग्नेटरी था, रेटिफाई नहीं किया था। सिग्नेटरी और रेटिफाई के अंदर क्या डिफरेंस होता है, हर बार आएगा। सिग्नेटरी का मतलब ये है कि आपने साइन कर दिया है कि आप अभी काइंड ऑफ ऑब्जर्वर ही हो, आप देख रहे हो, आप ट्रीटी के बारे में जानना चाह रहे हो, आप उसको रेटिफाई करने में इंटरेस्टेड हो। अभी आपके ऊपर वो बाइंडिंग नहीं हुई है, लेकिन द मोमेंट आप उसको रेटिफाई कर देते हो, आप उसके लिए बाइंडिंग हो जाते हो। जो भी उसके एग्रीमेंट्स होते हैं वो सब आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो आर्म्स ट्रीटी, ट्रेड ट्रीटी करती क्या है? देखो, एक एम्बिशन है कि जो भी इंटरनेशनल कंसर्न के ऊपर जो भी ट्रेड्स होता है वेपन्स वगैरह का, स्पेशली अगर हम लोग बात करते हैं कन्वेंशनल वेपन्स के, कन्वेंशनल वेपन्स क्या होते हैं, टैंक्स हो गए, मिसाइल्स हो गए, आर्टिलरीज हो गई है, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं, कन्वेंशनल वेपन्स होते हैं, इन सब का इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ट्रेड करना। अब क्या इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन किया हुआ है? नहीं, इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन रेटिफाई तो किया ही नहीं है, साइन भी नहीं किया हुआ। इवन अभी तक चाइना ने भी नहीं किया था, अभी तक रशिया ने भी नहीं किया हुआ है, प्लस में इसको पाकिस्तान ने भी नहीं किया हुआ। तो हमारे लिए ये मेजर जाना था। लेकिन अगर यूएस की बात करते हैं तो यूएस ने इसको साइन जरूर किया था, बराक ओबामा के टाइम पर इसको उन्होंने साइन किया था। बराक ओबामा इसको करना नहीं चाहते थे, लेकिन यूएस में बहुत सारा प्रेशर हो रहा था। यूएस के अंदर जो उनका सेकंड अमेंडमेंट होता है उसके तहत उन लोगों के पास एक अपनी गन रखने के लिए, अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए बहुत ईजी होता है, ईजिली आप लाइसेंस गेन कर सकते हो। तो यूएस के अंदर क्या हुआ था कि बहुत बार ऐसा देखा गया था कि स्टूडेंट्स होते हैं ना, एक साल के अंदर तकरीबन 113 के आसपास बच्चों ने गन का यूज़ करके एक दूसरे को मार दिया था। तो उसके बाद थोड़ा सा पब्लिक के प्रेशर में आके बराक ओबामा ने इसको साइन करने की बात की थी, बट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इससे पुल आउट कर लेंगे बिल्कुल ही। यहाँ पर एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा आज कि यूएस में जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं ना, इन्होंने ना जाने कितनी ट्रीटी से पुल आउट कर लिया है। बिल्कुल रिसेंट की बात करते हैं, WHO की फंडिंग से पुल आउट कर लिया है, क्लाइमेट चेंज से कर लिया है, ये UN NHRC से कर लिया है, ईरान की जो न्यूक्लियर डील थी वहाँ से कर लिया था, यूनेस्को से कर लिया था, पेरिस क्लाइमेट चेंज से कर लिया था, बहुत सारी चीज़ों से इन्होंने पुल आउट कर लिया है। तो क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर एक लिस्ट बना के दिखा सकते हो अभी तक कि अच्छा, ये मेंस क्वेश्चन में आ चुका है कि किस तरीके से यूएस ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटी से पुल आउट कर रहा है, इसका वर्ल्ड वाइड क्या इंपैक्ट होगा, इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा, ये मेंस में आ चुका है क्वेश्चन। तो आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी ट्रीटीज है जो जिसके अंदर यूएस ने पुल आउट कर लिया है। तो आगे मैं इसके बारे में अगर आपको बात करता हूँ तो बेसिकली इस ट्रीटी के अंदर यही सब रेगुलेशंस वगैरह की जाती थी। अच्छा, चाइना ने इसको साइन नहीं किया था और चाइना अब इसको साइन क्यों करना चाहता है? चाइना को आपको पता है कि चाइना अभी फिलहाल जो है, पहले चाइना का भी ये प्रॉब्लम थी, इंडिया की भी इवन यही प्रॉब्लम थी साइन नया करने की। इंडिया के अंदर जो होता है ना, वेपन्स का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो UN जब उसकी रेगुलेटरी बॉडी बन जाएगा तो कहीं ना कहीं UN उसके ऊपर कुछ बैरियर लगाएगा कि आप इतना इंपोर्ट कर सकते हो, इतना नहीं कर सकते हो। चाइना का भी ऐसा सही सीन था, लेकिन चाइना अभी इस चीज़ के मामले में थोड़ा सा इंप्रूव हो चुका है अपनी करंट सिचुएशन में, और चाइना चाहता है कि वो एक रेगुलेटरी बॉडी का पार्ट बने, साइन करे इसको एंड फ्यूचर में इसके रेगुलेशंस को फॉलो करे। प्रीलिम्स के क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट्स कवर अंडर द ट्रीटी हो गया है, व्हेन इट केम इनटू फोर्स 2014 में, हाउ मेनी सिग्नेटरीज। देखो, इसके टोटल अभी सिग्नेटरीज की बात करते हैं तो टोटल इसमें 105 तो वो हो चुके हैं रेटिफाइड कंट्रीज हैं, ठीक है, प्लस में 32 ने इसको एज जस्ट एज सिग्नेटरी मतलब साइन करके रखा हुआ है, तो यानी कि 137 टोटल सिग्नेटरीज तो हमारे पास है ही है। हैज़ इंडिया ज्वाइन द ट्रीटी? नो, इंडिया हैज़ नॉट ज्वाइन द ट्रीटी। GS3 का हमारा टॉपिक है अवेयरनेस इन स्पेस के अंदर, डिटेक्शन ऑफ फ्लोरीन इन हॉट एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने, एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, उन्होंने रिसेंटली जो एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स होते हैं ना, उसके अंदर सिंगल आयोनाइज फ्लोरीन को पहली बार डिटेक्ट किया है। देखो, एक्सट्रीम हीलियम स्टार का मतलब क्या हो? एक्सट्रीम हीलियम मतलब ऐसा स्टार जिसके अंदर हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी हो, हीलियम ही हीलियम ज़्यादा हो। जनरली स्टार्स के अंदर से सन भी है, सन के अंदर हाइड्रोजन हीलियम दोनों बहुत होता है ना। अब हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है स्पेस के अंदर, ठीक है, लेकिन किसी ऐसे स्टार के अंदर जहाँ पर हाइड्रोजन ही ना हो वहाँ पर हीलियम बहुत ज़्यादा हो, ऐसे स्टार के अंदर पहली बार हम लोगों ने फ्लोरीन को डिटेक्ट किया है और एक इंडियन इंस्टीट्यूट ने किया है। तो जिस डिस्कवरी से बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनता है कि जो फॉर्मेशन होती है इस तरह के ऑब्जेक्ट्स की, उसमें कार्बन ऑक्सीजन और हीलियम जो वाइट ड्वार्फ होता है उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। सिग्निफिकेंस क्या होगी इस तरह की फाइंडिंग्स की? जनरली ओरिजिन और इवोल्यूशन इस तरह के हाइड्रोजन डेफिशिएंट ऑब्जेक्ट्स का ना, हिस्ट्री में हम लोगों ने इनको बहुत श्राउडेड रखा था, श्राउडेड मतलब हाइड करके, कवर करके रखा था, हम लोगों ने पहले इनके ऊपर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। कुछ सीवियर केमिकल पेक्यूलरिटीज़ हैं वो चैलेंज करती हैं इस थ्योरी को कि एक जो वेल एक्सेप्टेड स्टेलर इवोल्यूशन होता है वो ऑब्जर्व किया गया था केमिकल कंपोजिशन में इन स्टार्स की, जो कि फिलहाल जो प्रेडिक्टेड है लो मास इवोल्व स्टार से उससे मैच नहीं करता।
एक्सट्रीम हीलियम स्टार क्या होता है, मैंने आपको बता दिया सुपर जाइंट स्टार्स होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन जो होता है होता ही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है मोस्ट कॉमन केमिकल एलिमेंट है यूनिवर्स का, लेकिन उनमें नहीं होता है। अब इस तरह के हम लोगों ने 21 डिटेक्ट कर लिए हैं अभी तक एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स यूनिवर्स के अंदर। व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है, व्हाइट ड्वार्फ एक स्टार लाइक एक स्टार ही होता है सन की तरीके से, जिसका न्यूक्लियर फ्यूल पूरा का पूरा एग्जॉस्ट कर चुका होता है, एकदम वो व्हाइट कलर का हो जाता है, उसके जो टेम्परेचर होता है वो 1,00,000 केल्विन तक पहुंच जाता है, ठीक है, और वो अपने आसपास के पूरे मैटर को ही ख़त्म कर देता है, ठीक है। जब वो कूल करना स्टार्ट करता है उसको तकरीबन कुछ बिलियंस ईयर्स लग जाते हैं। एक जो टिपिकल वाइट ड्वार्फ होता है वो ऑलमोस्ट एक हमारा जो सन है उसके हाफ तक का जितना हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसे थोड़ा सा ब्राइटर होता है क्योंकि वाइट कलर में होता है। इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर होगा लोन वोल्फ थ्रेट, एक टर्म है लोन वोल्फ, यानी कि बाय यूज्ड बाय यूएस लॉ एनफोर्समेंट, यूएस के जो कानून बनाने वाले उन एजेंसीज के द्वारा यूज़ किया जाता है मीडिया के द्वारा, ऐसे लोग जो कि वॉयलेंट हिंसात्मक कार्यों को अंजाम देते हैं, टेररिज्म को, आतंकवाद को, लेकिन वो अकेले काम करते हैं, ठीक है, उनका जो कमांड स्ट्रक्चर होता है वो कहीं दूर से उनको लीड कर रहा होता है। लॉन एक्टर होते हैं, लॉन एक्टर टेररिस्ट बोल सकते हैं, लॉन वॉल्फ बोल सकते हैं, वो जो कि कोई भी वॉयलेंस वगैरह करता है अकेला कर सकता है, लेकिन वो किसी आइडियोलॉजी से मोटिवेट हो सकते हैं, किसी बिलीफ से या फिर किसी एक्सटर्नल ग्रुप से भी वॉयलेट हो सकते हैं। न्यूज़ में क्यों है, रिसेंटली जो रीडिंग एक जो टाउन है वेस्ट लंदन की तरफ, वहाँ पर एक नाइफ अटैक हुआ था, उसमें 3 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे पहले भी बहुत सारे अटैक हो चुके हैं, नवंबर 2019 तक वहाँ पर ऐसे नवंबर 2019 से अब तक 3 ऐसे मेजर इंसिडेंट हो चुके हैं। तो इतना हार्ड क्यों इस तरह के इवेंट्स को, अटैक को प्रिवेंट करना? देखो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, वो कुछ टैक्टिक्स यूज़ करती हैं वॉयलेंस को स्प्रेड करने के लिए। अगर वो ग्रुप में परफॉर्म करती हैं तो उनको जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं बहुत इजीली डिटेक्ट कर पाती हैं, लेकिन अगर वो लोन वोल्फ का अटैक करते हैं तो उनको डिटेक्ट करना पड़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। ज़रूरत क्या है, नीड ऑफ द आवर, गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि सिक्योरिटी एजेंसीज को जैसे मल्टी प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच अपनाएं, ताकि जो भी रेडिकलाइजेशन हो रहा है, जो भी ये एक तरीके का जो एक्सट्रीमिज्म दिखाई देता है इन चीज़ों के अंदर, तो उसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस का अच्छे से यूज़ करें, स्ट्रॉन्ग टाइज बनाएं कम्युनिटीज़ के साथ, ताकि ऐसे लोगों को आसानी से गिरफ्तार किया जा सके, पकड़ा जा सके। थैंक यू वेरी मच।